बारातियों से भरी पिकअप पलटी, दूल्हे के पिता और चाचा की मौत, अन्य 7 जने भी हुए घायल। जगनेर शादी कर धौलपुर वापस आ रहे थे बाराती। बारात लेकर जा रही एक पिकअप बेकाबू होकर खेत में पलट गई। हादसे में दूल्हे के पिता सहित 2 की मौत हो गई, वहीं करीब 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। घटना से शादी के घर में मातम पसर गया। हादसा धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 123 पर आदर्श नगर गांव के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के सत्यनारायण कॉलोनी निवासी रामवीर सिंह अपने पुत्र रोनू की बारात लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर कस्बे में गया था। शादी समारोह को संपन्न कर शनिवार को पिकअप गाड़ी में सवार होकर 1.5 दर्जन से अधिक बाराती वापस घर लौट रहे थे, तभी नेशनल हाईवे 123 पर आदर्श नगर गांव के नजदीक पिकअप चालक को नींद की झपकी आ गई और तेज रफ्तार पिकअप खेत में पलट गई। घटना के चश्मदीद लोगों ने बताया कि गाड़ी ने खेत में 3 पलटी खाई है। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को सूचित कर गाड़ी के अंदर से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां दूल्हे के पिता रामवीर सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इलाज के दौरान घायल दूल्हे के चाचा रामनिवास की भी मौत हो गई। घटना को लेकर सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि सभी घायलों का इलाज अस्पताल धौलपुर में उपचार किया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। इस दौरान हादसे में 25 वर्षीय सोनू पुत्र सुरेश चंद्र, 35 वर्षीय राधे पुत्र धर्मेंद्र, 60 वर्षीय जनक सिंह पुत्र शिव सिंह, 8 वर्षीय विकास पुत्र लोकेंद्र सिंह, 50 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह पुत्र जीवन लाल, 65 वर्षीय महिपाल आदि 7 जने घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है।